हेलो एवरीवन, सावन के सोमवार की आपको शुभकामनाएं। और ये देखिए, हमारे नीचे मंदिर है ना, वहाँ पे दहर नारियल चढ़ाने गया है। ये माँ काली माँ है और यहाँ राम लक्ष्मण हैं और ये इधर गणपति बप्पा हैं और ये नारियल फोड़ेगा। बस इतनी सी क्लिप है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप? क्योंकि पूरे 12 बज गए हैं तो गुड आफ्टरनून। और 2 दिन से ऐसे ब्लॉग जा रहे हैं, मतलब जिसमें मैं दिख नहीं रही हूँ, तो मैंने कहा लाओ आज मैं स्टार्ट करती हूँ। और अभी मेरा बहुत सारा काम बाकी है। और देखो बाल कैसे चिपक गए हैं, बाल धोने हैं पर अभी थोड़ा ऑयल लगाऊंगी फिर धोऊंगी। और धैर्य की एग्जाम स्टार्ट है, मतलब चल रही है, स्टार्ट हो गई है, चलने वाली है। और अभी किसका साइंस का पेपर है आज? इसका साइंस का नहीं, एसएस का। अच्छा, सोशल साइंस। तो आप तो साइंस का बोल रहे थे? सोशल साइंस का है। तो बस अभी मेरा खाना बनाऊंगी। और हमारे श्रावण मास स्टार्ट हो गए हैं, मैंने व्रत किया है पूरे महीने का। एक टाइम खाना खाती हूँ दोपहर में, तो बस सब्जी छौंक के आई हूँ और चावल भी बन गया, बस थोड़ा बहुत बाकी है। मैंने कहा लाओ स्टार्ट कर लूँ, स्टार्ट नहीं करते हैं ना तो फिर हो नहीं पाता है। ही पता चलेगा। और बारिश बहुत हो रही है, 2-3 दिन से बारिश, आधा घंटे में हो जाती है। और बारिश है ना एक दिन फुल एक। और धैर्य के बर्थडे पे बारिश नहीं आया ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि धैर्य जब से आया है बारिश में ही आया। अभी तक साइकिल का मुहूर्त भी नहीं, और साइकिल का मुहूर्त तो बहुत लोगों ने कर लिया है, बस जिसके लिए आई है उसने ही नहीं कर पाया नीचे जाके। बारिश साइकिल नीचे जाएगी तब चलेगी, थोड़ी थोड़ी चलती है पर रुकती नहीं है बारिश। सावन की झड़ी लगी है ना, सावन स्टार्ट होते ही झड़ी स्टार्ट हो गई। चलो तो फिर मिलते हैं आपसे, आज का ब्लॉग अभी गया नहीं है तो चलो फिर मिलते हैं। शाम को मैंने कढ़ी बनाई थी, कढ़ी सब्जी चावल वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए कढ़ी मेरी कैसी लग रही है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और शाम के हो रहे हैं 7:10 हो रहे हैं और बस मेरा खाना पीना बन गया है। कढ़ी बनाई है, सब्जी बनानी है और आटा लगा दिया है, चावल भी भिगा दिया है। मैंने कहा लाओ चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वीडियो अभी 2-3 दिन से ढंग से नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि बारिश इतनी हो रही है। खैर बारिश हो रही उससे कोई मतलब नहीं है, पर थोड़ा बिजी भी थे घर के कामों में और कपड़े वपड़े सुखाने की बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। बारिश मतलब कंटिन्यू बारिश, भले इतने बारीक बारीक छांटे आ रहे थे पर मतलब बूंदें आ रही थी पर आ रही थी। अभी खुला है 4-5 घंटे से, तो मैं कपड़े वपड़े सुखा के आई हूँ। और कल भी थोड़ा बिजी थी, संडे को तो हो ही जाता है लेट, उससे पहले धैर्य का बर्थडे था तो उसका तो वीडियो सब आपके साथ शेयर किया ही है। और अभी हमारे श्रावण मास स्टार्ट हो गया है, आज पहला सोमवार है, तो आप सभी को श्रावण मास की शुभकामनाएं और पहले सोमवार की भी शुभकामनाएं। आज किस किस ने व्रत किया है तो जो जो वीडियो देखते हो तो कमेंट करके बताना। मैंने तो पूरे महीने का व्रत किया है, दोपहर में खाना खाते हैं मैंने और मेरे हस्बैंड ने। तो बस बने रही, अभी मैं आप खाना बनाऊंगी ना तो शेयर करूंगी। कढ़ी पक रही है अभी मेरी, वही पकौड़े वाली बनती है और कुछ अलग नहीं ज़्यादा। तो चलो फिर अब मैं आरती करने जाऊंगी बस अभी 5-10 मिनट में। और बने रहिए मेरे चैनल पे, जो लोग न्यू आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अभी तो 1-2 का सब्सक्राइबर बढ़ गए, पता नहीं क्यों 1-2 बढ़ जाते हैं और उसमें से 1-2 कम हो जाते हैं, समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है। तो बने रहिए मेरे साथ। और यहाँ पे मैं सूखे आलू की सब्जी बनाने जा रही हूँ, भाजी बोलते हैं ना वो। और ये देखिए मसालदानी मैंने उसी दिन भरी थी इसलिए दिखा रही हूँ, वैसे तो क्या फैल भी जाती है। और ये देखिए बन गए हैं, और ये चावल भी बन गए हैं और मैंने आटा भी गूंद के लगा लिया है, बस अब रोटियाँ बनानी बाकी है। ये तो कढ़ी मैंने आपको दिखाई थी, इसको मैंने खाली कर लिया है कढ़ाई में और उसी कढ़ाई में मैंने सब्जी बनाई थी। और ये दूसरे दिन का वीडियो है, सब्जी बना रही हूँ। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और अभी शाम के हो रहे हैं 6:15 और मैं अभी ये सब्जी काटने जा रही हूँ। इसमें से आप लोगों में से कौन कौन ये सब्जी बनाता है और क्या क्या नाम है, मतलब इसका क्या कहते हो बताना। यहाँ पे तो चौड़ी बोलते हैं। और अभी मेरे ब्लॉग रेगुलर नहीं जा पाएंगे, शायद 2 दिन में ही जा पाएगा क्योंकि धैर्य की एग्ज़ाम है, तो वो एग्ज़ाम पहले पढ़ेगा फिर एग्ज़ाम देगा 12 बजे से, और शाम को उसकी एक आध रिवीजन क्लास आ जाती है, अभी भी आने वाली है। मैंने कहा लाओ स्टार्ट कर लेते हैं। तो ब्लॉग उतना जब मुझे चाहिए होता है फ़ोन तो उसके पास होता है, फिर ब्लॉग अब मैं सोच रही थी कि 2 दिन में ही डाला करूँगी।
तो बस मैं सब्जी काटने जा रही हूँ और फ़ोन भी चार्जिंग में लगाना बिल्कुल डिस्चार्ज हो गया है। तो चलो फिर सब्जी जब बनाऊंगी तब आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। सिंपल ही बनती है, आलू डलते हैं, सूखी भी बन सकती है, ग्रेवी वाली भी बनती है। और ये धनिया सब्जी लाई थी तो ये सब सही करना है, इनको रखना है तोड़ के। और आज मैं सो गई थी, अभी व्रत चल रहे हैं ना तो एक टाइम खाना खाती हूँ दोपहर में। तो कितना भी मतलब वो करो ना, जैसे थोड़ा सा लेटती हूँ ना तो आलस आ जाता है। और मौसम भी इतना अच्छा है, ठंडा है एकदम से। तो आज सो गई थी तो देखो थोड़ा आँखों में आँखें भारी भारी लग रही है पलकें। तो बस अब मैं सब्जी काटूँगी, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। ये मेरी सब्जी कट गई है, अब मैं छौंकने जा रही हूँ। तेल भी गर्म हो गया है और यहाँ पे साइड में सिमई बन रही है, जीरा से ही छौंकूँगी। और वही सिंपल धनिया मिर्ची हल्दी यही डाल के, और लहसुन अदरक का पेस्ट बनता है। सिंपल सी सब्जी होती पर अच्छी बनती है, रसे वाली भी बनती है, सूखी भी बनती है। आपको जैसी पसंद हो वैसी बना सकते हैं। और कढ़ी भी बनती है चौड़ी की, वो भी अच्छी लगती है। बस अभी तो मैं ये दोपहर की भी सब्जी रखी है, मसाला भिंडी बनाई थी, पर भिंडी कहते हैं ना हमारे यहाँ कोई खाता नहीं है, ये वाली तो और भी नहीं खाते। और ये मिर्ची तो मोटी मिर्ची आती है ना, उनको छौंका था तिल डाल के और सींग डाल के, बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट टाइम आपके साथ शेयर करूंगी। और ये डिनर की थाली है, देखिए खीर और वो चौड़ी की सब्जी। बताओगे धैर्य ने क्या खाने में खाया? मैंने खीर, फिर वो रोटी और सब्जी। बस खीर कैसी थी? अच्छी। और साइकिल चला के? हाँ। तो धैर्य सिंह रात को भी साइकिल चलाना जाते हैं? तीन टाइम जाते हैं ना। हाँ। सुबह में? सुबह नहीं जाता, शाम को जाते हैं। फिर रात को? हाँ। तो अब वीडियो का एंड करें? तो बाय बोल दो। चलो हम वीडियो का एंड धैर्य ने तो कर दिया, मैं भी करती हूँ। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्या करना? लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। सब कुछ फ्री है, सब कुछ फ्री है। और ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। तो चलो फिर कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।